ऑनलाइन में दोस्तों बात करेंगे हम इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है न्यू अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस समझाया जाएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी, वो निकाली गई है कोस्ट गार्ड यात्रिक नेविक जेडी एंड डोमिसाई ब्रांच CGEPT 01 2024 के ऊपर निकाली गई है दोस्तों। तो आपको बताया जाएगा कैसे आप इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो में बना रहेगा। बस आप वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और अपना भाई समझ के जितना हो सके अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाइए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप इसमें फॉर्म को अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आएंगे, आने बाद यहाँ पे लास्ट जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे आपको मिलेगा कोस्ट गार्ड यात्रिक नेविक CGEPT 01 2024 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जनरल OBC EWS है तो ₹300 का आपको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब फीस है आपकी। अगर आप SC ST है तो जीरो बैलेंस, आपका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला है। फॉर्म की स्टार्टिंग की बात करें तो 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 22 सितंबर रखी गई है शाम के 5:30 बजे तक। एग्ज़ाम जो होएगा आपका, फर्स्ट एग्ज़ाम जो होएगा वो दिसंबर में होएगा आपका, सेकेंड एग्ज़ाम की बात करें तो जनवरी 2024 में होएगा। और सेकेंड एग्ज़ाम डेट अप्रैल एंड मई 2024 में आपका होएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं दोस्तों, 18 साल से 22 साल की उम्र मांगी गई है, 1/5/2002 से लेके 30/4/2006 तक के बच्चे इसमें अप्लाई को ऑनलाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को। 350 वैकेंसी निकाली गई है एंड 260 आपकी नेवी जनरल ड्यूटी GT वाली है, और 30 वैकेंसी आपकी नेवी डोमिसाइल ब्रांच DV वाली है, और यात्रिक की आपकी 60 वैकेंसी निकाली गई है। ये 10+2 से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, ये आपका हाई स्कूल से है, और ये आपका हाई स्कूल प्लस इलेक्ट्रिशन मतलब ITI से है। नीचे आइए, नीचे आने बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन, एक सामने क्लिक लिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप पहले से रजिस्टर है इसमें तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है, आपकी जो 10th की मार्कशीट में नाम है वही आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम डाल देंगे आप, जो भी आपके पापा जी का नाम है। उसके बाद अपनी मदर जी का नाम डालना है अपनी। उसके बाद यहाँ इंडियन सेलेक्ट करें, अगर आप इंडियन नहीं है तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है ओनली इंडियन कैंडिडेट अलाउड, तो यहाँ पर ओनली इंडियन कैंडिडेट के अलाउ के लिए है, ओनली अदर वालों के लिए नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट एंड अलाउड, ओनली मेल वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है, और आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके एक तो ईमेल आईडी पे और एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपको ईमेल वाला OTP यहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर वाला यहाँ पे OTP डालना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट यू डिड, यहाँ पे कह रहा है कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो आप इनमें से देख लेंगे, आप न्यूज़पेपर में से मिली या फेसबुक से मिली, इंस्टाग्राम से मिली, व्हाट्सअप से मिली, टेलीग्राम से मिली, जिस पे भी आपको टिक करना है वो आप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड रिलेशन से मिली है वो भी आप, जहाँ से भी आपको मिली है, यूट्यूब से मिली है तो यूट्यूब से पे आप सर्च कीजिए, जहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिली है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने बाद उसके बाद आपको OTP वगैरह डालने के बाद एक बार फॉर्म को चेक कर लेगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, ये लिख रहा है सक्सेसफुल, यू हैव साइन अप सक्सेसफुल, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने बाद जो आपने ईमेल आईडी बनाई थी, ईमेल आईडी डाली थी फॉर्म भरते टाइम, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, प्लस वो जो आपके पास में जो है पासवर्ड आया होगा वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे ही डालना है दोस्तों, जो आपका पासवर्ड आया होगा। तो मैं चेक कर लेता दोस्तों तो अपने ईमेल आईडी में, दोस्तों डालने के बाद आपको नया पासवर्ड के लिए यहाँ पर बोलेगा, जब आप अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देंगे जो आपके ईमेल आईडी पे आया है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है नया पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड आपका नाम का बड़ा कैपिटल, बाकी स्मॉल एट द रेट, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, अपना नंबर भी लगा सकते हैं या 1 2 3 4 जो भी आपको लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है जनरेट कर लिया है और मैं कैप्चा डालने वाला हूँ, कैप्चा डाल दिया है। अब देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, मेरा पासवर्ड जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ओके करेंगे और मेरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों अगले पेज पे आप ओपन हो जाओगे, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको आईडी यहाँ पे चुनेंगे, आपके पास आधार कार्ड है, लाइसेंस है या पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, जो भी आप पे इनके इनमें से जो दे रखा है आपके पास, अगर इनमें से जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद तो उसका जो है नंबर डालेंगे, जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर सेलेक्ट कर दिया, डाल दिया है। उसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी मार्क प्रूफ, तो आपके जो चेहरे पे कोई तिल है या मार्क है या कट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला है मोल मोल ऑन फेस, मेरे चेहरे पर तिल है मतलब ऐसे डाल दिया है मैंने, तो आप डाल सकते हैं। दूसरा भी दे रखा है, अगर आपके पास आपके चेहरे पे दो मार्क है या तिल है या कट है कोई तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप पहला डाल के नो मार्क डाल सकते हैं, या आप दोनों में क्या करेंगे नो मार्क आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका नीचे आएगा, नीचे आने वाले यहाँ पे आपको जाति चुनने के, अपनी कौन सी जाति है आपकी, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो जैसे मैं एससी से आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने एससी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाति का यहाँ पे जब आपका जाति इशू हुआ था उसकी डेट डालनी है, आपको जाति की इशू डेट होती है उसमें जाति में रहेगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है वैलिडिटी, आपकी वैलिडिटी है या इसके कोई लिमिट है, तो मेरी यहाँ पर लाइफ टाइम है ये, तो ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद कह रहा है एज रिलैक्सर, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट एम्प्लॉयड टाइप, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है इनमें से देख लेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वाले पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर देख लीजिए। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने बाद यहाँ पर लिख रहा है अपलोड आईडी प्रूफ, यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो है अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, इनका जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए JPG में। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मैं ये दोनों चीज़ को अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड करने बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, करने बाद देख सकते हैं दोस्तों सेव पे, जैसे आप क्लिक किए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल आ जाएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब दोस्तों पेज आता है आपका अगला, अब यहाँ पर मैंने 3 पोस्ट आपको दिखाई थी, ये जो 3 पोस्ट आपकी अलग अलग दे रखी है, तो यही यहाँ पे भी 3 पोस्ट आपकी दे रखी है। सबसे पहली पोस्ट जो है नेवी की वीडी वाली, ये वाली 10th की है, ये 10th से है बीच वाली, ये वाली पहले पे दे रखी है, और दूसरी वाली दे रखी है नेविक जीडी, नेविक जीडी वाली ये वाली है जो आपकी 10+2 से है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मतलब PCM से। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, जो तीसरी वाली ये है 10 आपका हाई स्कूल है प्लस इलेक्ट्रिशियन मतलब ITI या डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास। तो आपको मैं जो इसमें वैकेंसी ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो 260 वैकेंसी है यहाँ पे। तो दोस्तों जब आप अपनी पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट सेव सेलेक्ट सक्सेसफुल, अब आपको ओके कर देना है। दोस्तों आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर पहले 10th की डिटेल डालनी है, डू यू पासिंग 10th,
तो आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने अपनी हाई स्कूल पास की है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका परसेंटेज है, CGPA है या ग्रेड है, आप इनमें से सेलेक्ट कर ले जो भी है आपका। करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट योर पासिंग, तो यहाँ पे आपको पासिंग डालनी है, कब आपने पासिंग की थी अपनी जो है हाई स्कूल। अब दोस्तों पासिंग ईयर डालने बाद यहाँ से यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव अनदर मार्कशीट, आपके पास कोई अदर मार्कशीट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे हाउ मनी सब्जेक्ट वार द, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे जो है डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, कितने आपके सब्जेक्ट थे हाई स्कूल में। अब करने के बाद यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, ज़्यादातर वही मैंने डाल दिया है। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का नाम डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मेरा हिंदी है, एक हिंदी में आपके नंबर कितने आए थे, वो कितने में से आए थे वो डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक, ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कौन दूसरा सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा इंग्लिश था, यहाँ पर कितने नंबर आए थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको 6 के 6 सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, तो मैं डाल देता हूँ। आप भी देखते रहिए कैसे कैसे डाल रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे आप डालते रहिए। तो साइंस आ चुका है मेरा 85 100। उसके बाद आता है सोशल साइंस, उसके बाद सोशल साइंस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा ठीक। उसके बाद आता है ड्राइंग, अब ड्राइंग में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डाल देने हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट अपने डाल दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 10th क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देंगे आप। ओके करने के बाद अब आपको डालनी है 12वीं की डिटेल यहाँ पर, तो 12वीं पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है डू यू पास, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद कह रहा है बोर्ड का नाम, आपने इंटर पास कौन से बोर्ड से किया है, तो उस बोर्ड का आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं अपने बोर्ड का यहाँ पे सेलेक्ट करना हूँ, यूपी बोर्ड से किया मैंने। उसके बाद आपको आता है सर्टिफिकेट नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था 12वीं का वो डालेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज था, ग्रेड था या CGPA था, इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ पासिंग, तो आपका डेट ऑफ पासिंग कब आपने की थी हाई स्कूल वो इंटर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है आपके पास कोई अदर मार्कशीट है, मतलब एक से अलावा कोई मार्कशीट है, अगर आपके पास एक ही मार्कशीट है आप तो इसे नो करेंगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो यस कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक ही मार्कशीट है 12वीं की, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद आपको आते हैं सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आप यहाँ पर चुनेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे आप। अब दोस्तों अगला ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे, जैसे 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो फिजिक्स में मेरे नंबर कितने आए हैं वो अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा, कितने में से आए थे वो डाल दूंगा। उसके बाद मैथ में कितने नंबर आए थे वो डाल दिए, उसके बाद कितने में से आए थे वो डाल दिए। उसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स, तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट डालने हैं, तो 5ों का डाल के दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5ों सब्जेक्ट डाल दिया अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, ओ फिजिक्स मैथ हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट डाल दिए। आपको भी इसी तरह से सब्जेक्ट डालने हैं, और टोटल नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं, कितने आए थे आपके और कितने में से आए थे वो डालने हैं। ज़्यादातर 100 में से आता है, तो 100 में से आपको यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से डालने के बाद आपको अब आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद 12वीं की डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी, अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आता है आपका एड्रेस का ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। सबसे पहले डालना है आपको हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर क्या है।
उसके बाद आता है लैंडमार्क, आपके सामने आपके पास में जो है, मतलब कि वाटर टैंक है या कोई मस्जिद है या मंदिर है, वो आप डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। उसके बाद इंडियन आ जाएगा, आपका कंट्री इंडियन आ जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो चुनेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद आता है आपका पिन कोड, पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है अपना। पिन कोड सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस डालना है, आपको अपना पोस्ट ऑफिस जो भी आपको पोस्ट ऑफिस लगता है। उसके बाद आता है आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपको, अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और ये प्रजेंट एड्रेस एक सा है तो आप यहाँ पे दोनों पे टिक कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग दे सकते हैं। तो मेरा एक ही है तो मैंने एक ही डाल दिया है। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल कहाँ कहाँ है, तो मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश कर दिया है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एक बार चेक करने के बाद। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसके बाद करना है आपको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पे यस या नो में आंसर देना है, तो यहाँ पे नो करना है, इसे भी नो करना है। उसके बाद यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, आपको सब पे इन पे नो नो कर देना है। बाकी आप पढ़ के यस या नो कर सकते हैं, फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये नो ही रहेंगे सारे, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से नो ही रहेंगे या यस रहेंगे। फिलहाल मेरे नो ही है तो आपको करना है सेव, सबमिट हो जाएगा, देख सकते हैं ओके करेंगे। अब आता है आपका फ़ोटो एंड साइन, फ़ोटो और अप सिग्नेचर और ये थंब, ये तीनों चीज़ आपको अपलोड करना है। दोस्तों अपलोड कैसे करना है, फ़ोटो का जो फाइल का नाम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, पासपोर्ट पासपोर्ट फोटोग्राफर, और सिग्नेचर का नाम ये होना चाहिए आपकी फ़ाइल का नाम, उसके बाद थंब का ये होना चाहिए। आपको जब आप फाइल का नाम रखोगे ना, जब भी आपको ये अपलोड होएगा, और आपका या तो आप स्लेट स्लेट मतलब कि स्लेट पे लिख के आप अपना फ़ोटो की डेट और अपना नाम आप इस तरह से फ़ोटो खिंचवा लीजिए, या आप फ़ोटो के नीचे डेट वगैरह डाल के जब आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 महीने के अंदर की आपको डेट डालनी है, ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। दोनों कान चमकने चाहिए, और दोनों कान चमकने चाहिए, और चेहरा अच्छे से जो है क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं तीनों चीज़ अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने फ़ोटो साइन और यहाँ पे थंब अपलोड कर लिया है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने फ़ोटो का जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं, पासपोर्ट ये वाला फ़ाइल का नाम रखा है मैंने, सिग्नेचर का फाइल रखा है नाम, और थंब का ये वाला। इसी तरह से आपको नाम डालना है, अपने फाइल का नाम रखना है, फ़ोटो का, सिग्नेचर का और थंब का। जब भी आप फ़ोटो सिग्नेचर और ये थंब अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो आपका फ़ोटो ये तीनों चीज़ आपके अपलोड नहीं होने सकती। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप भरिए जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ चुका है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव सक्सेसफुल, ओके करेंगे, अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डालना है, तो यहाँ पे 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको डालने पड़ेंगे। अगर आप सारा यूपी के देना चाहते हैं तो यूपी पर आप सारा सेलेक्ट करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है कहीं के भी आप दे सकते हैं एड्रेस अपना। तो फिलहाल मैं जहाँ जहाँ मेरे पास में है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो जो भी आपके पास में है वो आप डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको 5 सेंटर देने हैं, आप इनमें से स्टेट दिल्ली भी डाल सकते हैं, दिल्ली का देना चाहते हैं तो दिल्ली भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 5 डाल दिया, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कह रहा है क्या आपका जो वो है क्या बोलते हैं जो मतलब कि, दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई शहर शहर है आपके पास में, अगर है तो यस कर दीजिए, और नहीं है तो आप इसे नो रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग से देख लेना। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, सेव पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके करेंगे। अब आता है आपका सेकंड ऑप्शन, आपको यहाँ पे नॉर्थ दूसरा डाल देता हूँ मैं, नॉर्थ तीसरा ये डाल देता हूँ, चौथा मैं डाल देता हूँ बेस्ट, और पाँचवा डाल देता हूँ ये। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है अपना जो है देख लेना, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं आप वही सेंटर डालिए, कोई गलत एड्रेस नहीं डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो भी आपका पास में पड़ता है वही आप सबसे पहले रखेंगे, तो मैंने सेकंड के लिए यहाँ पे सेंटर चुन लिया है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया है, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके करेंगे।
अब दोस्तों देख सकते हैं आपका इस तरह से फॉर्म सारा हुआ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे, और अच्छे से चेक करने बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर टिक कर देना है सब पे, पढ़ लेना एक बार, देख लेना आप फॉर्म को, और जब भी आप यहाँ पर टिक करने का, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है सिटी का, जहाँ पे भी आप यहाँ जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेट आ जाएगी जिस दिन आप अप्लाई करेंगे इसका फॉर्म, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ पे आपको इसे पढ़ के एक बार क्या करेंगे आप, एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे, और एक बार आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। जब आपको लगा है सब कुछ ठीक है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ है तो आप यहाँ पे इनमें से जाकर कहीं भी जाकर अपना सुधार कर सकते हैं, या भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप फॉर्म को सुधार कर लीजिए अगर आपको लगता है कोई गलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेना, और इन्हें पढ़ने के बाद आप यस या नो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको इन पर टिक कर देना है, और टिक करने बाद अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप जब भी सेव करिए, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के लिए दोनों पे टिक कर देना है, और टिक करने बाद यहाँ पे भी आपको सब पे टिक कर देना है, और टिक करने बाद अब आपको यहाँ पर कन्फर्म डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एंड ईमेल आईडी पे मैसेज आ गया होगा सबमिट होने का, तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करके अपना प्रिंट आउट लेना है। दोस्तों अगर आपकी पेमेंट लगती है, अगर आप जनरल ओबीसी डॉलर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ीस लगेगी 300 रुपये। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आपको ठीक लगे उससे आप पेमेंट करके अपना फॉर्म कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैंने ये फॉर्म बताया इंडियन कोस्ट गार्ड का, आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस मैंने समझा दिया है, A to Z सारा बता दिया है दोस्तों, कैसे कैसे आपको बनना है, बड़ी बारीकी से मैंने सारा बताया। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है पर वीडियो काफ़ी अच्छी हुई है ये दोस्तों। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें, और जो भी इसमें फॉर्म भरेगा उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉर्म है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और अपने भाई का चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।